यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब कहें आमेन। हालेलुया। सब जन खोलेंगे गलातिया की पुस्तक 5 उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सबको आमीन। सब ध्यान से सुनना, फिर से 16 आयत में लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सबको आमीन। क्या करना चाहते हो तुम? लिखा आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में हर वक्त चलता है, ताकि जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्या करना चाहते हैं? लिखा आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं कभी भी किसी रीति के साथ पूरा ना करोगे। एक बात को ध्यान से सुनो सब जन, शाऊल अपने पैलेस में था, अपने अपने भवन में था, अपने बहुत बड़े घर में था, लेकिन बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और अन आज्ञाकारिता की, शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आने लगा जो उसको घबराहट देता था। कितनों ने पिछले हफ्ते सुना था? और बाइबल में लिखा इतने बड़े पैलेस में होते हुए भी, एक देश का राजा होते हुए भी, वो फिर से घबराहट में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगा। आपकी ब्लेसिंग, आपकी खुशी, आपकी कंटेंटमेंट, आपकी सेटिस्फेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करती आप कहां हैं, इस बात पे डिपेंड करती कि आप परमेश्वर में कहां हैं। आमीन। शाऊल चाहे उस अगर दूर से कोई देखता ना शाऊल को, कोई दूर से, क्या वाह क्या राजा है, क्या कुर्सी है, कितना पैसा है, कितनी आराम शानो शौकत है, वाह शाऊल तेरे जैसा मैं भी बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से यह नहीं पता कि शाऊल के ऊपर रोज एक दुष्ट आत्मा आता है जो उसे घबराहट देता है। आप जानते क्यों सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, जब परमेश्वर ने कहा, जब बाइबल में लिखा जब सुलेमान ने 1000 भेंट चढ़ाई तो लिखा परमेश्वर का आत्मा उससे स्वप्न में मिलता है, सपने में मिलता है और बोलता है सुलेमान मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। परमेश्वर को आप रिश्वत देके काम नहीं करा सकते, लेकिन बाइबल में लिखा जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता है, हम परमेश्वर के साथ प्रेम में आ जाते हैं, तो लिखा फिर हमारा किया गया दान याद किया जाता है और किया गई प्रार्थना याद की जाती है, रखे गए रोजे याद किए जाते हैं। आमीन। कोई काम करवाने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते या रोजे नहीं रख सकते या पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन बाइबल में लिखा आप ये सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो को समझ आ रही मेरी बात? और बाइबल में लिखा है जब सुलेमान ने 1000 भेड़ और बकरियों को चढ़ाया तो बाइबल में लिखा परमेश्वर उससे स्वप्न में मिलते और बोलते तुझे क्या चाहिए। आपको पता सुलेमान ने क्या मांगा? कहता परमेश्वर मैं तेरी प्रजा में रहता हूं, तू जानता है कि हर हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं। आपको पता सुलेमान के पास 2 औरतें आई थी एक बच्चा लेके, एक बोलती थी ये मेरा है, दूसरी बोलती थी ये मेरा है। वो बोलती थी नहीं ये मेरा है, कहती नहीं मेरा, कहती नहीं ये मेरा, क्योंकि ये अपने बेटे पे सो गई थी और इसका बेटा मर गया, और जब ये मर गया इसका बेटा, इसने अपना बेटा फेंका और मेरा बेटा उठा लिया, और अब ये कहती कि ये मेरा है। सुलेमान को कैसे पता ये उसका है? सुलेमान ने कहा ठीक है ये भी बेटा काट दो, आधा आधा कर दो, और जो असली मां थी वो बोली नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए ये बेटा, उसी को दे दो। उसने कहा यही इसकी असली मां है, इसी को दे दो। मेरी बात को ध्यान से समझो, हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन आपकी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके पास अभी क्या है। अभी आप गरीब हैं तो खुश नहीं है, आप अमीर भी हो जाओगे तभी भी खुश नहीं रहोगे। अगर आपके पास सच्ची परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी आ जाए आप सेटिस्फेक्शन और खुश कभी नहीं रह सकते। शाऊल के ऊपर कोई अमीर नहीं हो सकता, वो राजा था, कुर्सी पे था, सब कुछ था, सब नौकर चाकर, सब पैसा, सब दौलत, सारी दुनिया उसके नीचे थी, लेकिन बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा उस पे आता था, उसको घबराता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसने तोड़ दिया था।
और बाइबल में लिखा जब सुलेमान को परमेश्वर ने कहा सुलेमान तुझे क्या चाहिए, सुलेमान कहता परमेश्वर तू जानता है तेरी लोग बड़े तेरी प्रजा बड़ी है, मुझे इनका न्याय करने की ताकत और बुद्धि और विवेक दे। और परमेश्वर ने कहा तूने इतनी अच्छी चीज मांगी, मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही दूंगा लेकिन ऐश्वर्य और धन इतना दूंगा कि तेरे ना पहले कभी दिया था ना तेरे बाद ऐसा बाद में कभी दूंगा। परमेश्वर इतना खुश था उससे। आमीन। इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी खुशी कि आपके पास अभी क्या है। शाउल से ज्यादा किसी के पास नहीं, वो राजा था लेकिन तभी भी खुश नहीं था क्योंकि दुष्ट आत्मा उस पे आता था और घबराहट देता था क्योंकि परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ दिया था। लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। आप शरीर नहीं हो अकेला, आप में आत्मा भी है और प्राण भी है। आप में कितनी चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा एक प्राण। लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त क्या करता है, फाइट करता है ताकि जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। जो थिंकिंग आपके दिमाग में कई बार आते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं सक्सेसफुल और परमेश्वर के नाम में खड़ा होकर मैं गवाहियां देना चाहता हूं, ये क्या है, ये आप जो करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा आपका शरीर अब लड़ता है कैसे, क्या कि किसी रीति के साथ आप वचन पे ना चल सके और जो आप करना चाहते हैं वो आप कभी ना कर पाए। कि आप चाहते हैं कि मेरा परिवार बचाया जाए लेकिन बाइबल में लिखा वो तब बचाया जाएगा जब आप शरीर की बातों को नहीं बल्कि आत्मा की बातों को सुनेंगे। आमीन। और लिखा आत्मा हमेशा शरीर के विरोध में और शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में बात करते हैं। पत्रस क्या चाहता था कि परमेश्वर अगर तुझे किसी ने पकड़ा तो मैं अपनी जान पहले दे दूंगा। ये क्या है, पत्रस क्या कर वो चाहता था, क्या वो झूठ बोल रहा था? मेरे को बताओ, जब पत्रस ने प्रभु को बोला था कि परमेश्वर अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ पहले मर जाऊंगा, क्या वो झूठ बोल रहा था परमेश्वर को? क्या लारा लगा रहा था परमेश्वर को? अगर वो झूठ बोल रहा होता तो परमेश्वर ने उसी वक्त कहना था कि पत्रस झूठ मत बोल। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब पत्रस क्या करना चाहता है, प्रभु के लिए मरना चाहता है। जब रात हुई परमेश्वर ने कहा पत्रस प्रार्थना कर क्योंकि जो तू करना चाहता है वो केवल आत्मा के द्वारा संभव है, शरीर के द्वारा नहीं। तेरी विल पावर तभी भी कुछ नहीं कर सकती अगर तू प्रार्थना में नहीं होगा। तो अब बाइबल कहती है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलोगे। और बाइबल में लिखा पत्रस ने कहा परमेश्वर मैं मरना चाहता हूं। और हुआ क्या, पत्रस गया गसमनी बाग में परमेश्वर के साथ, प्रार्थना करते करते आंख लग गई। फिर परमेश्वर उठाया पत्रस, प्रार्थना कर परीक्षा में ना पड़े। फिर उठा, फिर आंख लग गई। बाद में क्या कहता है, यीशु मसीह लाने तो वे जरा यीशु मसीह जानता वे, मैं नहीं जानता यीशु मसीह। क्या ये सेम पत्रस नहीं था? बाइबल में लिखा उसने धिक्कार दिया, कसमें खा खा के बोला और मैं नहीं जानता यीशु मसीह नु, केड़ा यीशु मसीह, मैं नहीं जानता इन, तू झूठ बोलते मैं नहीं जानता इन। और पत्रस खुद सोच रहा था कि 3 घंटे पहले मैं कह रहा था कि परमेश्वर मैं मरने के लिए तैयार हूं और अब मेरी ये हालत है कि मैं लानते दे दे के उसका इनकार कर रहा हूं। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलता है ताकि जो तुम करना चाहते हो वो कभी ना कर पाओ। कितनों को समझ आ रही है? एक बात मैं जानता था सेवकाई शुरू होने से पहले कि आत्मा और शरीर, शरीर मेरा आत्मा से लड़ेगा, आत्मा शरीर से लड़ेगी। अगर जो मैं करना चाहता हूं अगर मैंने आत्मा की बात ना सुनी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम यह नहीं कि जो आप करना चाहते हैं परमेश्वर नहीं करना चाहते। कई बार जो आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, वो सेम चीज परमेश्वर करना चाहते हैं। रुकावट कौन है? आपका शरीर। क्योंकि शैतान, एक बात ध्यान से समझो, अगर शैतान इतना बड़ा है, मिलिट्री देखी आपने, बंदूकें होती हैं उनके हाथों में, मान लो ये मिलिट्री मैन है भाई, इसके पास अभी बंदूक है, अब शैतान इसके अंदर अंदर जाए और बंदूकें करे, धक 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 सभी को मार दे और बाद में ये बोले शैतान ने किए हैं,
ध्यान से समझना सब जन जो बोलते हैं कि मेरे को दुष्ट आत्मा सताते हैं, अगर शैतान इतना पावरफुल है तो परमाणु बम जितने पड़े हैं उनको फटवाता क्यों नहीं है? जब आपकी गाड़ी पुल पे जाती है, रेलगाड़ी जाती है, बस जाती है, तो उसके ड्राइवर में जाके उसको घुमा के उसको नीचे क्यों नहीं गिरा देता वो, अगर वो पावरफुल है तो? शैतान का काम है आपके इधर बात करना, आपका काम है उसकी बात को सुन के मानना, बाद में फिर उसका काम है आपको कहां लेके जाता है। उसमें पावर नहीं है कि वो आपके बीच जाए। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास आए और वो दोनों की लड़ाई हुई और पति ने एक छोटी ईंट, एक आधी ईंट उठा के पत्नी पे मारी, उसका उसको काफी मारा उसको। मिनुआ कहते शैतान ने करता है था, कहते शैतान ने करता और दुष्ट आत्मा थी उनके घर में, कहते शैतान ने करता। मैं झूठ बोल रहा है, तू शैतान ने नहीं किया, तू किया। कहता नहीं शैतान ने किया। मैं नहीं तू किया, मैं साबित करता हूं 5 मिनट के अंदर कि तू किया, शैतान ने नहीं किया। और मन्या कहता मैं सॉरी मांगता परमेश्वर को। जिस टाइम आप पे पहली प्रार्थना होती है, जब आप मसीह में आते हैं, बाइबल बताती शैतान आप पे अधिकार नहीं कर सकता, ना आप खेल सकते हैं। अगर आप खेलते हैं आप खुद अपने खेल को बंद कर सकते हैं। अगर शैतान आपसे कहे आगे रोज कि ईंट उठा और मार दे, अगर आप रोज ऐसा करेंगे क्या वो जाएगा आपके घर से? लेकिन अगर आप उसको अपोज करेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे, उसको आप डांटेंगे कि शैतान जो तू कह रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं नहीं करूंगा, बाइबल बताती है उसकी पावर कमजोर होती होती इतनी कमजोर हो जाएगी वो आपसे लड़ना बंद कर देगा एक दिन। कितनों को समझ आ रही है? असली विरोधी शैतान नहीं, असली विरोधी आपका अपना शरीर है। हालेलुया। किसने मारा शाऊल को? शैतान ने मारा कि उसके अपने शरीर ने मारा? शैतान कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों को इज्जत मिले। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, चाहे आप एक नौकरी करने वाले इंसान हो, चाहे आप 10,000 पे नौकरी करते हो किसी शोरूम में या किसी दुकान पे, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने मालिक के जितना और उसके भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती आप अट्रैक्ट करते हैं ऑनर को, इज्जत को, ब्लेसिंग्स को, जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलना शुरू कर देते हैं। अब शैतान जानता है कि अगर ये व्यक्ति सही तरह से चलता गया, इसकी इज्जत और इसकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी। और बाइबल कहती है वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जब तक वो आपको बोले नहीं इस शरीर पे मन लगाने के लिए, और जब आपने मन लगाया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जानते नहीं पत्रस को कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब वो उसने परमेश्वर का इनकार किया। बाइबल कहती बाहर आके वो फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। बाइबल कहती है पछताया वो परमेश्वर में, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने शरीर की बात, शरीर पे काबू नहीं किया। वो जानता था कि प्रार्थना करने के टाइम उसने प्रार्थना नहीं की, वो जानता स्टैंड लेने के टाइम उसने स्टैंड नहीं लिया, और अब शैतान ने जब उसका तमाशा बनाया वो उसके पर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाइबल कहती जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तुम सेवा करना चाहते हो, तुम बढ़ना चाहते हो, अपने घराने को स्टैंड करना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तुम जो भी करना चाहते हो, आप सब लोगों की बुलाहट पास्टर बनने की नहीं है, मेरी बुलाहट बिजनेसमैन बनने की नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए चर्च में बुलाया हो, परमेश्वर ने आपको बड़ी जॉब देने के लिए बुलाया हो, ऊंचा पॉलिटिकल कैरियर देने के लिए बुलाया हो, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं, बाइबल ये बात बताती है कि शरीर पर ध्यान लगाने के कारण जो आप करना चाहते हैं वो आप कभी कर नहीं पाएंगे। कितनों को समझ आ रही है बात? मसीह जिंदगी एक सीरियस लाइफ है। अगर आपने शैतान को मौका दिया वो आपको डिसग्रेस करेगा, वो आपको बेइज्जती करेगा आपकी, अगर आपने उसको जरा सा भी आपने मौका दिया। हालेलुया।
आपको ध्यान रखना है कि आप कहां पे हैं और परमेश्वर आपको कहां लेके जाने वाले हैं। और आपको यह भी पता कि शैतान अवेयर है, वो जानता है आप कहां जा रहे हैं, और यह भी वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर के ब्लड में छुपे हुए हैं। बाइबल में लिखा जब शैतान परमेश्वर के सामने गया और शैतान परमेश्वर ने कहा ओए कहां से आया, कहता डोलते डालते धरती में घूमते खाते आया हूं। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके जैसे धरती में डर मानने वाला, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला खरा मनुष्य और कोई नहीं। कहता अच्छा अभी उस पर अपना हाथ हटा, दया हटा ले, तेरी तुझे गालियां निकालेगा। कहता मैं तो उसे छू नहीं सकता क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। हर विश्वासी जो खरा है उसके आसपास बाड़ा है। शैतान तभी तोड़ेगा जब आप उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को आप तोड़ेंगे और उससे बाहर आएंगे। हालेलुया। चाहे आप कंफ्यूज हैं कोई मायने नहीं करता, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं करता, लेकिन आप प्रेयर में, आप रोजों में, आप बाइबल में, आप शरीर की बातों में मन नहीं लगा रहे, आप बढ़ते जाएंगे। चाहे कंफ्यूज रहेंगे, चाहे आपको ना समझ आए, लेकिन आप फिर भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप पवित्रता में और धार्मिकता में। और एक दिन परमेश्वर आपको जवाब देंगे, आप उठाए जाएंगे, आप बढ़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? सिंपल सी बात लिखी, मैं फिर से पढ़ता हूं 5:16 में लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सबको आमीन। कहता शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे तुम। 17 में लिखा, क्योंकि आत्मा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हर विश्वासी को पता है वो किस काम के लिए परमेश्वर बुलाया गया है। चाहे क्लियर नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है, उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है, परमेश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया। उसे थोड़ा थोड़ा पता है कि परमेश्वर ने किन कामों के लिए बुलाया, लेकिन बाइबल कहती है वो काम तभी पूरे हो पाएंगे जब आप अपना ध्यान आत्मा में लगा के रखेंगे। लिखा जिनका ध्यान आत्मा की तरफ है वो शरीर की लालसाएं किसी भी रीति के साथ पूरी नहीं करेंगे। हर एक विश्वासी जो असली विश्वासी अपनी टाइमिंग जानते हैं, आमीन। अगर आप आत्मा से चलने वाले विश्वासी हैं, आप अपनी टाइमिंग जानते हैं। जो व्यक्ति अपनी टाइमिंग नहीं जानता वो हमेशा मार खाता है परमेश्वर में। शमूएल ने एक बात कही थी शाऊल को, कहता था तू जा मैं आऊंगा और यज्ञ करूंगा, बलि दूंगा, उसके बाद तुम लड़ने के लिए जाना। और बाइबल में लिखा शमूएल लेट हो गया, और शाऊल ने क्या किया, खुद सारा काम कर दिया। जबकि शाऊल याजक नहीं था, वो सिर्फ राजा था, और परमेश्वर के दास ने कहा था मैं आऊंगा और बलि दूंगा, लेकिन तुम मत करना, मैं आऊंगा और उसके बाद तुम लड़ने के लिए जाना। और बाइबल में लिखा जब वो सब कुछ बलि दे चुका तब शमूएल आया और उसने कहा तूने ये क्या किया। कहता तू लेट हो गया था, दुश्मन लड़ने के लिए आ रहा था, हमने सोचा ऐसा ना हो कि परमेश्वर नाराज हो जाए, हम बलि ना दे, तो हमने ये काम खुद कर दिया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और बुरा मनाया। शाऊल किसका काम कर रहा था, शैतान का या परमेश्वर का? लड़ने किससे जा रहा था वो, परमेश्वर के लिए कि शैतान के लिए? वो सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी गुस्सा किया उसकी बात का। क्योंकि परमेश्वर एक बात अपने विश्वासी को सिखाते हैं कि तूने मुझे और मेरी टाइमिंग पे भरोसा रखना, हमेशा सीखना है। हालेलुया। आप जानते हैं जिस औरत को, जिस विधवा को, जिस एक और औरत जिसको बेटा दिया था परमेश्वर ने नबी के द्वारा, जब वो मर गया था तो परमेश्वर के दास के पास वो क्या कह के चढ़ी थी? जब उसके दास ने अपने नौकर से कहा था जाओ उसको पूछ सब कुछ ठीक है, रास्ते में क्या बोल रही थी वो? हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुशल से है, सब कुशल से है, सब कुशल से। और परमेश्वर के दास के पास आके वे फिर भी उसको ताना नहीं मारती, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे आत्मा के द्वारा चलना है, क्योंकि मैं अब ये चाहती हूं कि मेरा बच्चा जीवित हो जाए द्वारा।
अगर वो अपने मुंह से एक भी गलत शब्द निकालती परमेश्वर के दास के सामने, तो वो कभी बेटा जिंदा ना होता उसका। आप परमेश्वर को पकड़ सकते हो क्या जाके, यो तूने मेरा काम क्यों नहीं किया? पकड़ सकते हो? बाइबल में लिखा दाऊद जानता था कि मैं शाऊल को जब तक नहीं मारूंगा तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। क्या परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद कुर्सी पे बैठे? मुझसे बात करो आज, क्या परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद कुर्सी पे बैठे? चाहते थे, इसीलिए मसा किया था परमेश्वर ने। दाऊद को कब मसा किया? जब वो छोटा था। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर चाहते थे कि ये राजा बने। और बाइबल कहती जब शाऊल उसके सामने आया और वो उसको मार सकता था तो उसने मारा क्यों नहीं? वो सोच के मार सकता कि ओए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किए हैं, परमेश्वर चाहते मैं राजा बनूं, मुझे इसको मार देना चाहिए, मैंने इसको मार दिया अब मैं राजा बन जाऊंगा। एक ही रुकावट थी दाऊद के सामने, शाऊल, और परमेश्वर ने एक समय आया उसको उसके हाथ में कर दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे परमेश्वर ने इसको अयोग्य करार दे दिया है, लेकिन मैं इसको मार के यहोवा के सामने दोषी नहीं बनूंगा। हर एक असली असली विश्वासी अपनी टाइमिंग को जानता है। सबको आमीन। हर असली विश्वासी अपनी टाइमिंग को जानता है, और शैतान के पास जेन्युइन बहाने, जेन्युइन द मोस्ट जेन्युइन वन, जेन्युइन बहाने आपको गिराने के लिए, बहुत जेन्युइन बहाने। मैं शादी में लेट हो रहा था जी, मैं गिर गया जी। कुड़ी लंबी नहीं जी, इतने साल हो गए, कितनों को समझ आ रही है? उसके पास जेन्युइन बहाने। आप जानते हैं वो हजारों साल पुराने हैं, वो इंसान की नब्ज को जानता है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, जब यीशु मसीह के पास वो गया था, उसने कहा था ये यीशु मसीह अगर तू परमेश्वर का बेटे पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। उस टाइम परमेश्वर को गाड़ी बंगले नहीं चाहिए थे, क्या चाहिए थी? कितनी बड़ी चीज थी रोटी। उसने यीशु मसीह को बाद में रोटी रोटी पे नहीं भरमाया, क्या भरमाया बाद में? बाद में यीशु मसीह को रोटी चाहिए नहीं थी, क्योंकि वो रोजे नहीं रखे हुए थे। तब रोजे रखे हुए थे, शैतान ने उसी रोटी से भरमाना शुरू कर दिया। आज चंगाई चाहिए, इसी चंगाई से भरमाना शुरू कर दिया। आज कोई जरूरत है, उसी जरूरत के बदले शैतान ने आपको भरमाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा अगर तुम शरीर की बात को सुनोगे तो तुम वो कभी नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो और जो परमेश्वर कराना चाहते हैं तुमसे। हालेलुया। इसलिए लोग फेल हो जाते, क्यों? क्योंकि उनके बहाने, और शैतान के पास जेन्युइन बहाना है। शाऊल के पास जेन्युइन बहाना था कि तूने कहा था 7 दिन तू नहीं आया, हमने खुद बलि चढ़ा दी परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए। परमेश्वर ने कहा शट अप, तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी आज्ञाकारिता चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा, क्या तुझको लगता है कि यहोवा बेल भेड़ों से बकरियों से खुश होता है, या अपनी बात के माने जाने से खुश होता है? हालेलुया। शाऊल भी करना चाहता था परमेश्वर का काम, लेकिन लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। दाऊद को अपनी टाइमिंग पता थी कि कोई शक नहीं मैं अभिषेक किया हूं, कोई शक नहीं मैंने राजा बनना है, पर यह टाइमिंग नहीं है। शाऊल ने टाइमिंग नहीं समझी और मारा गया, दाऊद ने टाइमिंग समझी और सदा बना रहा। आप जानते हैं दाऊद बुढ़ापे तक, पूरा बुढ़ापा देख के वो मरा हुआ, और शाऊल अपनी जवानी में मरा। जितने इमोरल हैं, जितने परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, आप हमेशा उन्हें जवानी में मरता हुआ देखेंगे, या वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं चलते नहीं, या वो जो अन आज्ञाकारिता में, या वो जो वचन को समझना नहीं चाहते। हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं उसे लिख के रखो, उसे सोच के रखो, और यह भी ध्यान में रखो कि उस आत्मा के विरोध में शरीर और शरीर के विरोध में आत्मा हर वक्त चलेंगे, ताकि जो आप करना चाहते हैं आप कभी ना करने पाए। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? ये नहीं कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाहते, ये नहीं वो आपको बढ़ाना नहीं चाहते, मतलब ये है कि आप कितना आत्मा की बात को सुनते हैं और शरीर पर कितना ध्यान लगाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी टाइमिंग को पहचान, शैतान की बातों पे मन मत लगा, अपने टाइमिंग को पहचान, क्योंकि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। दाऊद जानता था गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब इंसान जरूरत में होता है तो शैतान अपनी आंखें खुली रखते हैं,
वो जानता है इसको चंगाई की बहुत जरूरत है, अगर ना मिली तो मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूं। वो जानता है इसमें इसको पैसे की बहुत जरूरत है, अब इसे अफीम भी बेचनी पड़ी, स्मैक भी बेचनी पड़ी तो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा ये। अगर मैंने इसी बरकत को रोक दिया तो एक दिन हीरोइन भी बेचेगा ये, सब कुछ करेगा ये। लेकिन कोई ऐसा भी है जो भूखा रहने के लिए भी तैयार है और आप सेटिस्फाइड किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे फिर से, मैं मांगता हूं, मैं फिर से मांगता हूं तेरी टाइमिंग पे भरोसा रखना, तेरी योजनाओं को समझना और शैतान की योजनाओं को नाश करना मुझे आए।